वेलकम टू प्रकृति प्रेमी इंस्टीट्यूट, आप सभी का स्वागत है। आज हम 9 दिसंबर 2018 का सीटेट का पेपर लेकर आए हैं और जिसको हम पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो इसका पर्यावरण अध्ययन जो भाग 3 में आता है, इन्वायरमेंटल स्टडी, आज इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करेंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पेपर को रखा है यहाँ पर, लेकिन हम हिंदी में व्याख्या करेंगे। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पूरब और पश्चिम, पश्चिम और पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब। तो इसका आंसर सी सही है। देखिए, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है तथा गोवा की स्थिति दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 62। ये है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। इसका आंसर डी आएगा, यानी आपका आंसर डी है। क्या है? देखिए, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। इसकी व्याख्या लीजिए, ये क्यों होगा? अगर सतह क्षेत्र अधिक होगा तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा। बाष्पीकरण को कम करने के लिए सतह क्षेत्र कम करना होगा। बाष्पीकरण की प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि के साथ ही बाष्पीकरण तेज हो जाता है और तापमान में कमी से बाष्पीकरण हो जाता है। आगे है 63। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल। इसका आपका आंसर है बी, चित्रण कौशल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति की को समझने की क्षमता चित्रण कौशल या मैपिंग स्किल कहलाती है। ठीक है, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल और मैपिंग स्किल कहलाती है। अब आपका है 64, काफ़ी इम्पोर्टेंट 64 है। 64, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCEF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन ए NCEF 2005, ऑप्शन बी NCEF 1988, NCEF 2000, NCEF 1975। ये आपका ऑप्शन डी है, जिसमें NCEF 2075 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। अब आपका है 65, यानी 65वां क्वेश्चन। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। आपका आंसर है ए। ए में क्या है? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। इसे झूम खेती भी कहते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। अब आपका है 66। देखिए, 66 में क्या है? नदी बांधों में उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकायु विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, और जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। आपका आंसर है अब ए। देखिए, क्यों है ये? जल विद्युत के लिए बने बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बांध के बनने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह सीमित हो जाता है, जिससे
उसमें प्रवास करने वाले जीव प्रभावित होते हैं। बांधों और जलाशयों के निर्माण के कारण होने वाले अधिकांश प्रभाव दीर्घकालिक रूप से प्रकट होते हैं। 67 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपयुक्त सभी। आपका आंसर डी, सभी हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि हैं। 68 भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? देखिए, इसका ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली यानी कम है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। आपका आंसर बी है, और आंसर बी क्यों है ये जानिए। भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में होते हैं, इसलिए मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ बहुत कम बारिश, लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। अब है आपका 69। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोरीन। देखिए, इसका ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी जानिए क्यों सही है। ताजमहल के आसपास स्थित रबर, ऑटोमोबाइल, केमिकल फैक्ट्रियां जैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी आदि के कारण वातावरण में विषैली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। वर्षा होने पर यह गैस जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला हो जाता है। 70 गोलकोंडा किला किसने बनवाया? चोल राजवंश, चालुक राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश। इसका ऑप्शन है सी, जानिए क्यों। गोलकोंडा या गोलकुंडा किला दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। यह दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है, जिसका निर्माण काकतीय राजवंश के द्वारा कराया गया था। प्राचीन काल में कुतुबशाही राज हीरे जवाहरात के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। इस किले का नाम तेलुगु शब्द गोल्ला कोंडा के नाम पर रखा गया था। इस किले के दक्षिणी भाग से मूसा नदी बहती है। 71 आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, तो आपका आयतन 15 है और घनत्व 3 है, तो इसलिए इसका 45 ग्राम हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान 45 ग्राम हो जाएगा। 72 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। आपका ऑप्शन ए सही है, अदिश राशि द्रव्यमान है। ये अदिश राशियां क्या होती हैं? ठीक है, जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों होते हैं वे सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, संवेग आदि। जिन राशियों में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, द्रव्यमान, दूरी आदि। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। देखिए, ये है अपारदर्शी। अब जानिए अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, पारदर्शी क्या है, ये जानिए। यह अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिसमें कोई प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती है, अपारदर्शी कहलाती है, जैसे दीवार। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, पारदर्शी कहलाती हैं, जैसे कांच या आपका सफ़ेद पॉलीथीन। ऐसी वस्तु जिनमें आंशिक रूप से प्रकाश किरण पार हो जाए,
पारवासी कहलाती हैं, जैसे कागज लगा, तेल लगा कागज। आपका है 74, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। देखिएगा इसका जो है, देखिए इसमें आपका यानी एम मास, चंद्रमा का मास और बराबर पृथ्वी का मास, तो एम 10 किलोग्राम दिया है, यानी किसी सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 ग्राम, एम यानी 10 किलोग्राम है चंद्रमा का मास और पृथ्वी का मास 10 केजी, ठीक है। तो इसमें जब हम वेट निकालेंगे तो एम यानी पृथ्वी का मास गुणा में 9.81 यानी ग्रेविट्स, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स का इसमें गुणा कर देंगे, ये आएगा 9.81 न्यूटन आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया था और इसका ऑप्शन इस हिसाब से देखा जाए इसका न्यूटन में आना चाहिए और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब आगे आइए 75, यानी जो आपका 74 है इसमें सभी को कॉमन अंक मिले थे 75 में। लीजिए कि एक ब्लेयर का विघटन दर, जो इस पे खाली स्थान दिया है, पर निर्भर करता है दाब पर, तापमान पर, सतह पर, भार पर। किसी ब्लेयर के विघटन दर उसकी सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 76वां प्रश्न है आपका, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, जिससे निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने पर सबसे उपयुक्त रणनीति है। कक्षा में बहस आयोजित की जाए, समूह चर्चा की जाए, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इसका ऑप्शन डी ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उन्हें पोषित करने में मदद करना, उन्हें पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने में मदद करेगा, क्योंकि उनके माध्यम से पौधों की आवश्यकताओं को समझेंगे, साथ ही वे अपना अपन का एहसास कर उनके प्रति संवेदनशील बनेंगे। 77, छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। नंबर ए, इस समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। डी, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अब देखिए इसका ऑप्शन डी ज़्यादा उपयुक्त है। अभय के द्वारा छात्रों से उनके पड़ोस में रहने वाले बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने को कहा गया, परंतु पाठ पुस्तक में सर्वेक्षण का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे छात्रों को तो तमाम बीमारियों से संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई तथा डाटा हैंडलिंग और वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, परंतु समुदाय को इन बीमारियों को समझने में मदद नहीं मिली जिससे वे पीड़ित थे। अब आगे आइए 78, यानी 78 में ये है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बिल का इस्तेमाल किया गया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण है,
अन्वेषण दृष्टिकोण है, मानववादी दृष्टिकोण है। जानिए ये आपका आंसर सी सही है, यानी अन्वेषण दृष्टिकोण है। तो ये क्यों सही है इसकी व्याख्या जानेंगे हम। प्रिया ने आपत्तकालीन घटनाओं और उसके प्रति बच्चों के अनुभव जाने, साथ ही उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटने या सावधानी बरतने हेतु सड़क सुरक्षा, आग बिजली के झटकों एवं अन्य ऐसी परिस्थितियों के प्रति उठाए जाने वाले कदमों को बताने हेतु विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया। प्रिया द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे उपयुक्त यह दृष्टिकोण अन्वेषण दृष्टिकोण कहलाता है। 79 समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग विद्वान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अब आ जाइए आगे। EBS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठचर्या से बाहर जाना। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका विस्तार से जानिए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना और उसे समृद्ध करने से तात्पर्य पाठ पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना, अर्थात पाठ पुस्तकों से बाहर जाना है। अब आपका है 81 में है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा, दादी व अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। इसमें है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है। सी में शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो क्यों सही है ये जानिए। रमा द्वारा कक्षा 3 के छात्रों को परिवार के विभिन्न स्वरूपों को बताने के पूर्व पारिवारिक रिश्तेदारों को विभिन्न माध्यमों से स्पष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात ही छात्रों को परिवार के स्वरूप के बारे में बताना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के बच्चे आसानी से समझ सकें, जो कि रमा द्वारा नहीं किया गया है। अतः यह शिक्षण अधिगम का समावेशी दृष्टिकोण नहीं है। 82 यानी निम्नलिखित में से कौन सी EBS कक्षा में गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट का उपयोग, उपयुक्त सभी। इसमें आपका उपयुक्त सभी है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में चित्र खींचना, भ्रमण करना, श्याम पट का प्रयोग करना, खेल खिलाना आदि कक्षा आधारित गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 83 देखिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है एकीकृत समावेशी विषयगत उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो और विषयगत हो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को जटिल पर्यावरण मुद्दों पर समझ विकसित करने में मदद करता है। साथ ही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि विषयों के संदर्भ में पूरक का कार्य भी करता है। अब देखिए, इसलिए 83 का आपका डी ऑप्शन सही है। 84 इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। EBS पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सपेरों के लिए ए में है,
यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। डी, पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। इसका सबसे ज़्यादा सी सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा। क्यों रहेगा ये भी जानिए। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सपेरों पर किए गए अध्याय का उद्देश्य बच्चों को जानवरों के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनाना, साथ ही सपेरों को सांप पकड़ने अथवा उनका खेल दिखाने के अलावा उनकी आजीविका के लिए अन्य सुरक्षित विकल्पों के बारे में विचार प्रदान करना है। अब आपका है 85। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। देखिए, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। EBS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय का बर्बाद करता है। इसका उपयुक्त आंसर है बी, विद्यालय में मिड डे मील का समय पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। मिड डे मील का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना तथा ड्रॉप आउट को रोकना है, साथ ही इससे बच्चों में सामूहिक भावना का विकास तथा उनके स्वच्छता और अनुशासन के बारे में जागरूकता विकास किया जा सकता है। 86 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, EBS पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अवोध का भार कम करने की जरूरत, EBS पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। इसका उपयुक्त आंसर सी है, जानिए क्यों। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने से तात्पर्य बच्चों में अवोधगम्यता के भार को कम करना है। सर्वप्रथम इस मुद्दे को 1993 में यशपाल समिति ने उठाया तथा इसे स्कूली बच्चों के लिए कम करने के उपाय सुझाए। 87 EBS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के लड़कियां अलग अलग सीख जा सकते हैं। कम तथा उच्च प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण देना। सी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल उपयुक्त है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग की मूल्यों को लागू करने और एक साथ कम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। समूह में कार्य करने से विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों के आदान प्रदान करने तथा निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अब आपका है 88। बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। इसका देखिए ऑप्शन सी, बाला का अर्थ है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। तो इसमें है सी ऑप्शन ज़्यादा सही है, ज़्यादा सही नहीं, बिल्कुल सही है 100% बाला। तो ये है आपका संक्षिप्त रूप है, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड का संक्षिप्त रूप है। बाला समग्र रूप से स्कूल की बुनियादी ढांचे का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में करने का माध्यम है। इसमें विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए गतिविधियां आधारित शिक्षण, बाल मित्रता, समावेशी शिक्षा के विचारों को शामिल किया जाता है। बाला का उद्देश्य बाल विकास के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सीखने और मनोरंजन पर आधारित भौतिक वातावरण का निर्माण करना है। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 89। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ पुस्तक स्पर्शीकरण।
और ये है अवधारणा जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। अगला है विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन यानी विकल्प बी सही है। वैकल्पिक है फ्रेमवर्क का अर्थ वे विचार हैं जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ये प्रचलित सिद्धांतों या मान्यताओं से अलग अलग सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का लास्ट यह एक है मिथिक वैज्ञानिक तथ्य रूढ़बद्ध धारणा अंधविश्वास। ये आपका है सी। ये रूढ़बद्ध अवधारणा है जो चली आ रही है रूढ़िवादी अवधारणा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं यह एक रूढ़बद्ध धारणा है। वर्तमान समाज में यह धारणा ध्वस्त हो रही है क्योंकि आज महिलाओं की उपस्थिति किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व का टक्कर दे रही हैं। देखिए प्रिय साथियों, आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा और तो आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए, उनको ये फ़ायदा पहुँचाइए। और हम आपको ये वादा करते हैं यदि आप हमारे केवल प्रैक्टिस सेट और हमारे पेपर प्रीवियस ईयर के पेपरों की व्याख्या अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप निश्चित रूप से आप 100+ अंक प्राप्त करेंगे। और यदि आप हमारे सभी पे मतलब व्याख्या सहित वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप निश्चित 120+ अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।